पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने 4 रेस्टोरेंट पर हंटर चलाया है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट संचालकों पर प्रशासन का हंटर चला है। 4 रेस्टोरेंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है जिन पर, और साथ ही नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के चलते मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 रेस्टोरेंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सामने आई, जहां पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 4 रेस्टोरेंट संचालकों पर प्रशासन का हंटर चला है और कोविड-19 के साथ साथ नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने के चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि देहरादून में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेस्टोरेंट संचालकों पर प्रशासन का हंटर चलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और इसको लेकर अब प्रशासन का हंटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के चलते 4 संचालकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।